Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue unit 3 sports. In my last period I had completed activity 5, so let me start activity 6. And activity 6 is about the sports of archery. Archery is a sport. Archery matlab baan vidya, wo ek sport hai, wo bhi खेलों में होता है. आर्चरी का भी स्पॉट होता है. हिस्ट्री ऑफ आर्चरी इन द इंडिया डेट्स बैक इन वैदिक एरा. वैदिक एरा के समय की हिस्ट्री की में आर्चरी का महत्व है. यू आर फैमिलियर विथ द मैथोलॉजिकल कैरेक्टर एकलव्य. एकलव्य के जो पौराणिक पात्र था उसके बारे में आप जानते हो. गिवन हियर इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. ये स्टोरी की यहाँ पे शुरुआत बताई है और स्टोरी आपको कंप्लीट करना है अपने आप. दिस इज द स्टोरी ऑफ लॉन्ग 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 गॉन एरा. बहुत समय की पहले की बात है ये. इन द कंट्री ऑफ इंडिया नियरली 5000 ईयर्स बैक लिव्ड अ बॉय नेम्ड एकलव्य, द सन ऑफ अ ट्राइबल चीफ इन द फॉरेस्ट ऑफ द किंगडम हस्तिनापुर. हस्तिनापुर राज्य के जंगलों में एक ट्राइबल चीफ, आदि जाति का एक मुखिया था, उसका लड़का था, उसका नाम था एकलव्य. और ये लगभग 5000 साल पहले की बात है. एकलव्य वॉज अ ब्रेव हैंडसम बॉय. एकलव्य एक बहादुर और हैंडसम बॉय था. He was loved by all, और सबको वो पसंद था, प्यारा था. But he was not happy, लेकिन वो खुश था नहीं. His father saw that something trouble एकलव्य. उसके फादर ने देखा कि एकलव्य को कोई बात का परेशानी है. More than once he found his son lost deep in thought when other boys enjoyed the pleasure of hunting and playing. ज़्यादा करके more than one He found his son. एक से ज़्यादा बार उन्होंने देखा कि उसका लड़का बहुत गहरे विचारों में है और वो हंटिंग की मज़ा ले रहा नहीं, जबकि दूसरे बच्चे खेल रहे हैं. वन डे द फादर, एक दिन उसके जो पिताजी है उन्होंने एकलव्य को पूछा, Why are you so sad? एकलव्य पूछा कि बेटा आप क्यों इतना उदास हो. वॉट पिंचिज यू, आपको किस बात का दुख है. सो हियर देयर आर सम क्वेश्चन. हु वॉज एकलव्य. एकलव्य कौन था. तो एकलव्य वॉज अ सन ऑफ अ ट्राइबल चीफ इन द फॉरेस्ट ऑफ द किंगडम हस्तिनापुर. हस्तिनापुर राज्य के आदिजाति मुखिया का एक लड़का था. हाउ वॉज एकलव्य बाय नेचर. बाय नेचर एकलव्य वॉज अ ब्रेव एंड हैंडसम. एक हैंडसम और बहादुर लड़का था एकलव्य. से फादर आई लाइक द स्पॉट ऑफ हंटिंग टू मच. एकलव्य ने बोला मुझे पिताजी हंटिंग का शौक ज़्यादा है शिकार करने का. आई हैव माई बो एंड एरो बट दीज बॉयज डोंट अलाउ मी टू प्ले विद एम. मेरे पास मेरा तीर और कमान है लेकिन ये बच्चे मुझे उनके साथ खेलने देते हैं नहीं है. एंड आई डोंट इन्जॉय प्लेइंग अलोन. और अकेला मुझे ये खेलना पसंद आता नहीं है. आपको मालूम है बच्चे, अगर आप अकेले खेलोगे तो इसमें मज़ा आएगी नहीं, लेकिन आप दोस्तों के साथ कोई खेल खेलो तो उसमें ज़्यादा मज़ा आती है. इसलिए एकलव्य को भी हंटिंग शिकार का अकेले को मज़ा आता नहीं था. एकलव्य से फादर से ओ इज इट सो. अरे ऐसी बात है. आई कैन नॉट फोर्स देम टू प्ले विथ यू. मैं बच्चों को फोर्स नहीं कर सकता बेटा कि आप उसको खेलने दो. बट आई माई सेल्फ विल प्ले विथ यू. लेकिन मैं खुद तुम्हारे साथ खेलूंगा. एकलव्य से फादर यू आर नॉट ऑफ माई एज. आई वॉन्ट टू प्ले विथ द बॉय ऑफ माई एज. फादर आप मेरी उम्र के नहीं हो तो मैं आपके साथ खेलूँ. मुझे तो मेरी उम्र के बच्चों के साथ खेलना है. फादर सेड वेल देन इग्नोर देम एंड आई विल टेक यू टू गो सर टू गुरु द्रोणा. अच्छा इग्नोर देम, तो बाद में उसको इग्नोर करो ये बात,
ये सबको, एंड आई विल टेक यू, और मैं आपको ले जाऊंगा टू गुरु द्रोणा, गुरु द्रोणा के पास ले जाऊंगा, एंड ही विल टीच यू हाउ टू बिकम एक्सपर्ट इन आर्चरी, और वो आपको सिखाएंगे कि आर्चरी में कैसे तजज्ञ बनना है, निष्णात बनना है, एक्सपर्ट बनना है। एकलव्य सेड, इन दैट केस आई डोंट नीड एनीबडीज कंपनी, अरे ऐसी बात है तो मुझे किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है, आई विल श्योरली लर्न एंड बिकम अ ग्रेट आर्चर, तो मैं चौकस उनके पास सीखूंगा और मैं एक अच्छा महान आर्चर बनूंगा, महान मैं क्या बनूंगा, आर्चर, आर्चर मतलब तीरंदाज। एकलव्य फादर टेक सिम गुरु द्रोणा वन डे, एकलव्य के फादर उसको कहाँ पे ले जाते हैं, गुरु द्रोणा के पास ले जाते हैं। एकलव्य विथ फोल्डेड हैंड्स, वो अपने हाथ को फोल्ड करके गुरुजी को क्या बढ़ता है, उसको प्रणाम करता है, प्रणाम गुरुजी, आई वॉन्ट टू लर्न आर्चरी फ्रॉम यू, और बोलता है गुरुजी मैं आपके पास से आर्चरी सीखना चाहता हूँ। द्रोणा सेड वेल आई विल श्योरली टीच यू, द्रोणा बोलते हैं चौक्कस मैं आपको सिखाऊंगा, बट विल यू टेल मी विच कास्ट डू यू बिलोंग, लेकिन आप मुझे मेहरबानी करके बताओगे कि आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हो। एकलव्य फादर सेड बैक योर पार्डन गुरुजी, ही इज माय सन एंड वी बिलोंग टू शूद्र कास्ट, एकलव्य के फादर ने बोला माफी चाहता हूँ गुरुजी, वो मेरा लड़का है और हम लोग शूद्र जाति के हैं। द्रोणा सेड ओ देन आई एम सॉरी, ओ देन आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट टीच यू, मैं आपको सिखा सकता नहीं हूँ। गुरुजी बोलते हैं कभी शूद्र मतलब नीची जात आदि जाति, उनको हम विद्या सिखाते हैं नहीं, हम तो ब्राह्मण क्षत्रिय उनको सिखाते हैं। बोथ एकलव्य एंड हिज फादर रिटर्न होम डिसअपॉइंटली, एकलव्य उसके फादर दोनों निराश होकर, डिसअपॉइंटली मतलब निराश होकर वापस आते हैं। एकलव्य इज टेरिबली अपसेट, और बहुत बिल्कुल भयंकर तरीके से अपसेट हो जाता है। ही इज फर्म इन हिज डिसीजन टू लर्न आर्चरी, वो अपनी आर्चरी सीखने की, आर्चरी सीखने का जो अपना निर्णय है डिसीजन, उसमें बहुत अड़ग रह जाता है। एंड स्टार्ट्स थिंकिंग हाउ टू अटेन हिज गोल, और वो सोचना चालू कर देता है कि कैसे गोल को प्राप्त करना है। एकलव्य नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे सुबह एकलव्य बोलता है फादर आई विल डू इट माई सन, मैं खुद सीखूंगा। फादर से गॉड ब्लेस यू माई सन, भगवान तेरा भला करे बेटा। एकलव्य गोज टू फॉरेस्ट एंड मेक्स क्ले आइडल ऑफ द गुरु द्रोणा, एकलव्य जंगल में जाता है और एक मिट्टी की प्रतिमा, गुरु द्रोणा की प्रतिमा बनाता है, मिट्टी की गुरु की प्रतिमा बनाता है द्रोणा की। एंड सेट्स अंडर द ट्री, और वो एक पेड़ के नीचे रख देता है। वर्शिप्स द आइडल्स, और उसकी पूजा करता है, वर्शिप्स मतलब पूजा करना, मूर्ति की पूजा करता है। सिक्स इंस्पायरेशन फ्रॉम इट एंड स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग, और वो वहाँ मूर्ति में से वो क्या लेता है, इंस्पायरेशन लेता है, प्रेरणा लेता है गुरु की, और प्रैक्टिसिंग शुरू कर देता है प्रैक्टिस। एकलव्य आफ्टर अबाउट 3 मंथ, 3 महीने के बाद एकलव्य, फादर शो मी अ टारगेट एंड आई विल हिट इट, पिताजी मुझे आप कोई भी टारगेट बताओ मैं उसको सीधा निशान ताकूंगा। फादर सॉ द डिफरेंट टारगेट्स एंड ही हिट्स ऑल देम सक्सेसफुली, और उसके पिताजी अलग अलग निशान बताते हैं और वो उसको सक्सेसफुली सफलतापूर्वक उसको टारगेट को हिट करता है। फादर से ब्राओ माई सन यू हैव डन, शाबाश मेरे पुत्र आपने वो कर दिखाया। वन डे गुरु द्रोणा हैपन्स टू पास थ्रू द फॉरेस्ट, फाइंड्स अ डॉग हुज माउथ इज स्टक क्लोज विथ अबाउट 6 arrows एंड ही इज अमेज। एक दिन गुरु द्रोणा ऐसा होता है कि वहाँ से गुजरते हैं जंगल से, और उन्होंने देखा कि एक कुत्ता जिसके मुंह में 6 जितने बांध लगे हुए थे, वो भी वो अद्भुत तरीके से लगे थे। ही कैन नॉट बिलीव दैट एनीबडी ऑन द अर्थ पजेसिस सच अ स्किल इन आर्चरी एंड स्टार्ट्स सर्चिंग फॉर अ पर्सन, उनको बिलीव नहीं हुआ, उन्होंने माना नहीं कि इतना अच्छा ये पृथ्वी पर बाण विद्या किसने इतनी अच्छी स्किल पाई है।
कि कुत्ते के मुंह में ऐसे बाण लगा है और जरा सा उसको नुकसान भी नहीं हुआ। ही फाइंड्स द ब्लैक बॉय प्रैक्टिसिंग आर्चर इन फ्रंट ऑफ द आइडल। उन्होंने देखा कि एक लड़का काला लड़का ब्लैक बॉय काला लड़का जो ट्री के नीचे आर्चरी सीख रहा था, आइडल के सामने मूर्ति के सामने वो प्रैक्टिस कर रहा था। द्रोणा सीज द आइडल एंड इज नियरली स्टन्ड। और द्रोणा ने आइडल देख के वो एकदम स्टन्ड मतलब दंग रह गए। ही सीज दैट द आइडल इज वेरी मच आइडेंटिकल विथ हिमसेल्फ। उन्होंने देखा कि मूर्ति तो बिल्कुल उनके जैसी ही लगती थी। एज सुन एज द प्रैक्टिसिंग बॉय सीज गुरु द्रोणा ही रशेस टू हिम एंड लाइज डाउन बिफोर हिम विद द फोल्डेड हैंड। एज सुन एज द प्रैक्टिसिंग बॉय जो प्रैक्टिस करता था वो लड़का मतलब जो आर्चरी की प्रैक्टिस करता था वो लड़का मतलब एकलव्य सीज गुरु द्रोणा वो गुरु द्रोणा को देखता है एंड वो रशेस मतलब उसके सामने दौड़ के आता है एंड लाइज डाउन और वो नीचे दंडवत करता है और हैंड फोल्ड करके वो दंडवत करता है। द्रोणा से गेट अप माई सन गॉड ब्लेस यू हु आर यू एंड हुज आइडल इज दिस। उठो बेटा भगवान तुम्हारे यहाँ भला करे और तुम कौन हो और ये किनकी किसकी प्रतिमा है। एकलव्य से गुरु जी यू हैव नियरली फॉरगॉटन मी बट आई एम योर डिसिपल एंड दिस आइडल इज योर्स। गुरुजी आप जल्दी से मुझे भूल गए हो लेकिन मैं आपका शिष्य हूँ और ये प्रतिमा भी आपकी है। आई हैव लर्न्ड आर्चरी फ्रॉम योर गुड सेल्फ। मैंने आर्चरी आपके आत्मभाव से आपकी प्रेरणा से सीखी है। द्रोणा सेड हाउ इज पॉसिबल हाउ इज इट पॉसिबल आई हैव नेवर टॉट यू। वो कैसे संभव होता है मैंने तो आपको सिखाया नहीं। एकलव्य सेड यू हैव ऑलवेज टॉट मी गुरुजी आई हैव शॉट इंस्पायरेशन फ्रॉम यू ओनली। एकलव्य बोलता है गुरुजी आप हमेशा मुझे सिखाते हो और मैंने आपकी एक गहरी प्रेरणा में से ये सीखा है। यू आर माई ट्रू गुरु आप मेरे सही गुरु हो। द्रोणा सेड वेल देन नाउ आई गेस दैट यू हैव शॉट द डॉग्स माउथ विथ एरोज हैवंट यू। अच्छा तो मुझे अब पता चला कि आपने ये कुत्ते के मुंह को सिला था क्या आपने किया था। एकलव्य सेड यस गुरुजी ऑल द टाइम इट कीप्स बार्किंग एंड आई कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन माय प्रैक्टिस। हाँ गुरुजी वो जब मैं प्रैक्टिस करता था तो वो बसना बांकना चालू कर देता था वो भौंकता था इसलिए मैंने उसको सील कर दिया क्योंकि मेरा जो कंसंट्रेशन था मेरी जो एकाग्रता था वो तोड़ता था इसलिए मैंने उसको कुत्ते को वो सील दिया एरो मार के उसको मुंह बंद कर दिया क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। द्रोणा ब्लेसिस द बॉय एंड हरिडली गो बैक टू द प्लेस एंड कॉन्टैक्ट अर्जुना। द्रोणा उसको आशीर्वाद दे के जल्दी से वो अर्जुन के पास जाते हैं। द्रोणा सेड अर्जुन टुडे आई हैव कम अक्रॉस द ट्राइबल बॉय हु कैन डू मिराकल्स इन आर्चरी। अर्जुन मैं आज एक ऐसे लड़के को आदि जाति के ऐसे लड़के को मिल के आया हूँ जो आर्चरी में उसने एक मिराकल कर दिया है। मिराकल मतलब यहाँ क्या होता है जादू कर दिया है। ही मे प्रूव अ ग्रेट चैलेंज टू यू टूमोरो और वो शायद आपको आपके लिए कल एक चैलेंज भी साबित कर सकता है आपके लिए कल एक चैलेंज भी हो सकता है। अर्जुन सेड आई डोंट बिलीव इन इट नोबडी ऑन द अर्थ कैन इक्वल मी इन द आर्चरी। अर्जुन प्राउड करके बोलता है कि मेरे जैसा ये पृथ्वी पर कोई आर्चरी में तो होगा नहीं। द्रोणा सेड अर्जुन आई हैव सीन इट विथ माई ऑन आइस। अरे अर्जुन मैंने मेरी खुद की आंखों से देखा है। डोंट अंडर एस्टिमेट हिम आप उसकी ये जो कला है उसका आपको अंदाजा नहीं है। ही कैन नॉट ओनली इक्वल यू बट ऑल्सो कैन बेटर देन यू। वो खाली आपके समान नहीं लेकिन आपसे भी ज़्यादा है। हिज डेडिकेशन इज
ट्रेमेंडियस, मतलब उसकी जो डेडिकेशन है, समर्पण, वो बहुत ज़्यादा है। ट्रेमेंडियस मतलब एक्सट्रीमली, अत्यंत है। अर्जुन सेड, ओ इज इट सो, अगर ऐसी बात है देन आई विल हैव टू प्रैक्टिस मोर, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो द्रोणा लिव्स बट टेरिबली अपसेट एज ही हैज ऑलरेडी प्रॉमिस अर्जुना डैट ही विल नेवर टीच एनीबडी हु कैन बीट हीम इन आर्चरी। द्रोणा वहाँ से जाते हैं लेकिन वो अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अर्जुन को प्रॉमिस किया था कि मैं दुनिया में आपकी जैसा विद्या किसी को मैं दूंगा नहीं, आर्चरी की विद्या आपसे कोई ज़्यादा होगा नहीं। द नेक्स्ट डे द्रोणा रिटर्न्स टू एकलव्य, दूसरे दिन द्रोणा एकलव्य के पास जाते हैं। एकलव्य ऑन सीइंग गुरु द्रोणा, गुरु द्रोणा को देखता है, बोज डाउन एंड सिक्स हिज ब्लेसिंग, और वो प्रणाम करता है और उनके आशीर्वाद की अपेक्षा कर रहा है। एनीथिंग डैट आई कैन डू फॉर योर काइंडलेस, सॉरी योर काइंड सेल्फ, गुरुजी मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। द्रोणा सेड, वेल यू बिलीव डैट आई एम योर गुरु एंड आई हैव टॉट यू आर्चरी, आप ऐसा मानते हो क्या, आप मुझे गुरु मानते हो और आप मानते हो कि मैंने आपको आर्चरी सिखाया है। एकलव्य से, सर्टेनली गुरुजी, हाउ कैन आई प्रूव माय लॉयल्टी टू यू, मैं अपनी वफादारी कैसे साबित करूं, यू कमांड मी एंड आई एम रेडी टू डू इट, आप जो बोलो वो करने के लिए मैं तैयार हूं। एकलव्य स्टनेड फॉर मोमेंट बट नेक्स्ट मोमेंट फाइंड्स अ बिग नाइफ एंड कट्स, सॉरी द्रोणा सेड, वेल देन गिव मी योर राइट थंब, अगर आपको मैंने आर्चरी सिखाया है, गुरु बोलता है, तो आप मुझे आपका राइट हैंड का थंब दे दो, अंगूठा दे दो। स्टनेड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए वो बिल्कुल दंग हो गया, एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और दूसरी क्षण में फाइंड द बिग नाइफ, उसने चाकू निकाला बड़ा सा, एंड कट्स ऑफ हिज राइट थंब, और उसने राइट थंब को काट डाला, एंड ऑफर्स इट डेवोटेडली टू द गुरु द्रोणा, और समर्पण के रूप में उसने गुरुजी द्रोणा को अपना ये अंगूठा दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो स्टोरी है, इसमें गुरु द्रोणा के लिए एकलव्य ने जो डेडिकेशन दिया, इसके बारे में है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 6 ऑल्सो, वी विल कंटिन्यू एक्टिविटी 7 इन अवर नेक्स्ट पीरियड। जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।